भी मना सकती थी ना अपने पति की, लेकिन मैंने यहाँ बैठना जरूरी समझा कि मेरे पति को प्लीज इंसाफ दे दो यार, ऐसे मत दिया रो। फादर्स डे था जिस दिन ये मिस हैपनिंग हुई, मैं अपने हस्बैंड को फोन करके बोल रही थी, ये इसीलिए कॉल करना शुरू किया मैंने। मैं बोलती कि तुम केक मत लाना, आइसक्रीम लेके आना, यशु आइसक्रीम खाता है। पॉइंट ये, सर्च ऑपरेशन हुआ रात को, मैं भी ढूंढ रही थी अपने पति को। पुलिस कैसे सर्च ऑपरेशन करती है ये जनता को बताओ, क्या प्रोटोकॉल्स है उसके? एक टॉर्च तक नहीं थी इनके पास, उन्होंने फोन ही नहीं ढूंढा, क्योंकि फोन तो नाले में था। इन्होंने अपनी यूनिफॉर्म गंदी नहीं करी भैया, कि वो कीचड़ के ना छींटे लग जाएंगे। मोबाइल की लोकेशन 1 किलोमीटर का दायरा बता रही थी, तो सीओ सर बोल रहे थे कि हमने बहुत सारी यूनिट्स लगा रखी थी, उन बहुत सारी यूनिट को तुमने क्यों इधर उधर फैलाया? तुम उसको एक जगह पे करते ना जहाँ पे वो बंदा मिसिंग आ रखा था, वहाँ तुमने मुझे डिस्गाइज में डाला, वो फीमेल ऑफिसर ने, उन्होंने मुझे डिस्गाइज किया। अरे तुम्हारे पति को कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, जिनको 2 को लगी है वो हॉस्पिटल में है, और तुम्हारा पति लग रहा कि छुप गया होगा, वो आ जाएगा सुबह होते। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप आकर के हमारे दर्द को समझें, नहीं, और ध्वस्तीकरण करा जाए उस मकान का, नहीं तो अगर पब्लिक भड़क गई तो उसका आप खुद जवाब तैयार रखें। चौथी बार हाथ जोड़ रही हूँ मैं योगी जी को, मैं उन्हें पिता समान मानती हूँ, क्योंकि वो ना इतनी स्ट्रांग है कि हम जैसी लड़कियाँ उन्हें पिता मान पा रही है। मैं धामी जी से बोलूंगी आप भी मेरे पिता बनो, कुछ सपोर्ट करो, कुछ सिक्योरिटी दो इस बच्चे को, मैं कैसे पालूंगी इस बच्चे को। ये प्रैक्टिकल बात करूं, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, आज फिर 1-2 दिन लोग हेल्प कर देंगे, मैं दे दूंगी फीस, कल की ट्रीटमेंट अब नहीं होगा ना, मैं खुद को आग लगाऊंगी, आग लगाऊंगी, फिर एक और स्टोरी के लिए आप आओगे कवर करने, प्लीज इस इन्फॉर्मेशन को धामी जी के कानों तक पहुंचाओ, प्लीज उनको बोलो कि एक बार सुनो ये पूरी पूरी स्टोरी सुनो। क्या हाल हो रखा है प्रदेश का, कि एक 4 साल का बच्चा जो कल घर में था आपने देखा होगा, और आज वो सड़क पर बैठा है अपनी माँ के साथ कि उसके पिता के हथियारों को पकड़कर वापस यहाँ लाया जाए, न्याय अलग से हो। सोचेगा 3 दिन हो चुके हैं और अभी तक कोई सुराग नहीं है उसका जिसने गोली चलाई है, और वो कहाँ का कहाँ चला गया। पेरोल पर आ रखा है एक व्यक्ति जिस पर की कई सारे आपराधिक मामले पहले से दर्ज है यहाँ उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश में भी, और उसके उपरांत भी वो गोली मारकर यूं निकल जाता है और उसका पता नहीं चलता है 3 दिनों तक। पुलिस यहाँ जरूर मौजूद है कि ये लोग कुछ कर न दे, लेकिन उसके लिए क्या कुछ हो रहा होगा ये बड़ी बात है। बहन से हमने कल भी मुलाकात की थी इनके घर पर, तब माहौल थोड़ा अलग था, आज माहौल थोड़ा अलग है, लेकिन बच्चा वही, आप वही, कल क्रिमिनेशन। थैंक यू, ऑन कैमरा नहीं, मैं ऑफ कैमरा भी बोलूंगी थैंक यू कि लोग तक ये बात आप लोगों ने पहुंचाई। भैया अब क्या रात भर कोई आया मिलने, कुछ कुछ हुई बात? शासन प्रशासन, कोई शासन प्रशासन नहीं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब किसी के मरने पे कोई नहीं आ रहा, मर्डर इतना मास मर्डर जब हुआ उसके बाद भी कोई नहीं आ रहा, तो कैसे जागेगा ये प्रशासन? इसीलिए यहाँ बैठे हम लोग की कुछ तो करो। मैं 13वीं मना सकती थी ना अपने पति की, लेकिन मैंने यहाँ बैठना जरूरी समझा कि मेरे पति को प्लीज इंसाफ दे दो यार, ऐसे मत दिया रो। अंकिता के साथ भी यही हुआ था, मैं नहीं जाती किसी और के साथ, जी दो। कल रात ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, उस रात ना मेरे पति ने किसी और को बचाया, उन्होंने बचाया किसी और, क्योंकि ये किसी और को मारते, ये गाड़ी नहीं दे रहे थे, इट मीन्स ये गाड़ी कहीं ना कहीं यूज करते, ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ थे, इसीलिए ये मेंटली प्रिपेयर थे, इनका डेट पूरा प्रिपेयर था कि आज हमने गुना कुछ करना ही है। इसीलिए मेरे हस्बैंड को शायद से एक अंदेशा भी हुआ, उन्होंने कहा मैं अपनी गाड़ी वापस ले आता हूँ, मैं कब तक किसी को प्रूफ करूंगा कि मैं उस गाड़ी में नहीं था, ये तो बोलते थे ये भी था हमारे साथ, ये बात क्या? इसमें एक और चीज है, आप देखिएगा, मैं 2 दिन से अब क्योंकि हम इस खबर के साथ है तो कई सारी कहानियां खुल रही है, बताया जा रहा है कि अगर उसके घर में अभी तक भी जांच पड़ताल हो करीबन करोड़ों रुपए कैश मिल जाएगा, काफी सारे हथियार उसके घर में है, वो बिना हथियारों के निकलता ही नहीं था। ऐसे व्यक्ति को घर में होना, और उसकी अभी तक ना तो खुड़की या इस तरह से कोई उस पर आपराधिक मुकदमे नहीं दर्ज हो रहे, क्यों बचाया जा रहा है उसे, किसकी शह पर बचाया जा रहा है? आम जनता जो यहाँ अंदर रहती थी कॉलोनी में, उनके बयान आप सुनिए तो बहुत अलग अलग से बयान है, कईयों के उसने मकान हड़पे हैं, कईयों के उसने संपत्ति हड़पी है, कईयों की दुकानों पर उसकी नजर थी। एक व्यक्ति हमें अभी भीड़ में मिले थे, वो कह रहे थे इसने मुझे भी जान से मारने की कोशिश की। ये जब तमाम चीजें हो रही थी, उन्होंने इसके खिलाफ एक 145 में मुकदमा भी दर्ज कराया, जिसमें खुड़की के आदेश थे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट पर अभी तक रुके हुए, उसके मकान की खुड़की नहीं हुई शायद, और ये बात थी फरवरी मार्च की। अगर ये फरवरी मार्च में शायद वो
कार्रवाई होती आज ये दिन ना देखना पड़ता। आपको भी ऐसी कहानियां पता चल रही होंगी इसके घर के बाहर? सर मुझे अब पता चल रही है सब, और मेरे हस्बैंड को भी पता। उन्होंने शंभू यादव को गाड़ी दी थी बेचने के लिए, तो मेरे पति डायरेक्टली नहीं बेचे थे क्योंकि उनका काम रियल एस्टेट का इन सब चीजों का नहीं है, बट वो गाड़ी बेच रहे थे। मेरे पास ऑलरेडी दो गाड़ियां थी तो वो अली गाड़ी बेच रहे थे। तो उन्होंने शंभू यादव को बोला था कि तू बेचना। शंभू यादव ने इनकी गाड़ी यहाँ आके खड़ी कर दी भारद्वाज पे। तो अब मुझे पता चल रहा है कि सब ये बात बोल रहे थे कि वो तो क्रिमिनल है, उससे तुम क्यों जुड़े। तो मैं तब अब ये पता चला, गोलू भाई उन्होंने बताया कि शंभू यादव ने ये जो गाड़ी है इसके यहाँ जाके खड़ी कर दी, और रवि को ये बोला कि तू अपनी गाड़ी वहां से उठा ले या पैसे ले ले। तो मतलब कहीं ना कहीं शंभू यादव इन्वॉल्व है इन सब चीजों में, उसको नहीं छोड़ना। उसने मेरे पति ने पच्चे और खुद चौड़े में पुलिस को बोल रहा था कि मैं तो मसूरी गया हुआ था वो, इसलिए क्योंकि वो वहां पे था नहीं, तो उसको लगा मैं तो बचूंगा। लेकिन अगर तुम प्लानिंग में भी हो ना इन्वॉल्व तो तुम कसूरवार हो, तू वहां पे नहीं था। तो तू उनको कैसे पता चला कि रवि आ रहे हैं अपनी गाड़ी लेने के लिए? अब वो गाड़ी नहीं लाते ना तो वो सिर्फ उसको पंचर कर रहे थे ताकि वो गाड़ी निकाल ना सके। वो तो एक आंटी ने बताया कि बेटा उनके मैकेनिक घर के ही है, वो तो अभी ठीक कर देंगे उन्हें करना होगा। तो तुम कहो कि तू कोशिश करके तू गाड़ी लेकर ही जा सके, क्योंकि रवि ने उन्हें बता दिया था कि यार हो सकता है। और मेरे रवि इतने प्यार से माँ समझ के बात कर रहे होंगे उनसे। आंटी मैं जागृति विहार में रहता हूँ। वो आंटी से भी हमने बात की थी, आपने देखा होगा कल, उन्होंने भी साफ कहा था कि किस तरह से वो घबराया हुआ भी था। वो मकान पहले एड्रेस पूछ रहा था, फिर फोन नहीं उठा रहा था। शंभू की अगर बात करें तो शंभू फोन नहीं उठा रहा था रवि का। उसके बाद वो आंटी मेरे पति ने उन्हें 25 कॉल है लेकिन तब भी उसने फोन नहीं उठाया, तब वो यहाँ पे आए एक बार। तब उसी ने इन्फॉर्मेशन दी कि तू वहां से अपनी गाड़ी उठा ले, वो तुझे पेमेंट कर देगा या तू गाड़ी उठा लेना। अच्छा, अब क्या, अब यहाँ से आगे क्या? सर पहले तो मैं ये चाहती हूँ, 3-4 पॉइंट्स है मेरे, तो आप प्लीज कंटिन्यू करना। पहला पॉइंट ये, सर्च ऑपरेशन हुआ रात को, मैं भी ढूंढ रही थी अपने पति को। पुलिस कैसे सर्च ऑपरेशन करती है ये जनता को बताओ ना, मुझे पता ना आपको पता होगा कि कैसे करती है, क्या प्रोटोकॉल्स है उसके, जरूर बताओ ताकि कल अगर पुलिस वेगली बोलते ना सर्च ऑपरेशन हो गया तो कम से कम पता रहे कि सर्च ऑपरेशन में क्या क्या किया होगा इन्होंने। एक टॉर्च तक नहीं थी इनके पास, गने सबके पास देखी मैंने, जो देखी वो बोल रही हूँ, टॉर्च किसी के पास नहीं थी। मोबाइल की लोकेशन 1 किलोमीटर का दायरा बता रही थी, तो सीओ सर बोल रहे थे कि हमने बहुत सारी यूनिट्स लगा रखी थी, उन बहुत सारी यूनिट को तुमने क्यों इधर उधर फैलाया, तुम उसको एक जगह पे करते ना जहाँ पे वो बंदा मिसिंग आ रखा था, वहां तुमने मुझे डिस्गाइज में डाला। वो फीमेल ऑफिसर ने जो वहां पे प्रेजेंट थी, मुझे नहीं पता उनका नाम, उन्होंने मुझे डिस्गाइज किया। अरे तुम्हारे पति को कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, जिनको 2 को लगी है वो हॉस्पिटल में है, और तुम्हारा पति लग रहा है कि छुप गया होगा, वो आ जाएगा सुबह होते। मैं इस ढाढस में रहेगी कि पुलिस बोल रही है तो क्या पता इनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो जाए, मुझे ना देना चाह रहे हो। इसलिए मैं घर आ गई जब 4:30 बजे, मेरा बच्चा रोने लग गया। उसके बाद भी हम लोग यहाँ फोन की रोशनी से अपने पति को ढूंढ रहे थे। क्या पुलिस ने ये नहीं सोचा कि 1 किलोमीटर का दायरा हम लोग ढूंढ लेते हैं जहाँ पे लोकेशन बता, ये कितना स्ट्रांग पॉइंट है ना, जब तुम पहले फोन तो ढूंढो, उससे तुम्हें कितनी चीजें पता चलती, उसी से तो तुम इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते ना। उन्होंने फोन ही नहीं ढूंढा क्योंकि फोन तो नाले में था, इन्होंने अपनी यूनिफॉर्म गंदी नहीं करी भैया कि वो कीचड़ के ना छींटे लग जाएंगे। लेकिन छींटा अब लगा इस यूनिफॉर्म पे, लेकिन बहुत मजबूत हो। मैं क्या मजबूत, आप मजबूत रहो। मैं कल से बहुत कमेंट्स देख रहा था, तमाम लोगों ने बड़ी बड़ी बहादुर बताया है आपको, और होना भी चाहिए क्योंकि एक ऐसा कमजोरी में ये लड़ाई लड़ी नहीं जाएगी, यहाँ से लड़ाई बहुत मुश्किल है, और उनसे लड़ाई है जो समाज के बड़े दरिंदे हैं और साथ के साथ ऐसे जिनकी पैठ बड़ी ऊंची है, और उसके लिए लड़ना होगा तो आपको मजबूत बनना पड़ेगा। सर एक चीज, जो आप हो सर, मैं ना योगी जी नहीं है ना यहाँ के प्रधान, वो नहीं है, सीएम नहीं है, लेकिन मैं फिर से हाथ जोड़ रही हूँ, चौथी बार हाथ जोड़ रही हूँ मैं योगी जी को। मैं उन्हें पिता समान मानती हूँ क्योंकि वो ना इतनी स्ट्रांग है कि हम जैसी लड़कियां उन्हें पिता मान पा रही है। मैं धामी जी से बोलूंगी आप भी मेरे पिता बनो, कुछ सपोर्ट करो, कुछ सिक्योरिटी दो इस बच्चे को, मैं कैसे पालूंगी इस बच्चे को। मेरे घर में ना फादर्स डे था जिस दिन ये मिस हैपनिंग हुई, मैं अपने हस्बैंड को फोन करके बोल रही थी, ये इसीलिए कॉल करना शुरू किया मैंने, मैं बोलती कि तुम केक मत लाना, आइसक्रीम लेके आना, यशु आइसक्रीम खाता है। मैं अब किसे क्या बोलूंगी, अब समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और ये क्या कहना चाह रही है। ये परिवार के साथ आज लोग बहुत खड़े हैं, ये बात निश्चित है, पर यही कहानी मुझे अब दोहराई सी लगती है क्योंकि अंकिता भंडारी के टाइम पर भी यही सब हो रहा था। वनंतारा रिसोर्ट को रात भर में एक विधायक द्वारा कहने पर तोड़ दिया गया, और बाद में जब बात आई कि भैया तुमने उसके सबूत नष्ट कर दिए होंगे, तो तमाम कहानियां बनने लगी।
वो कहानियां यहाँ ना पकें, वो कहानियां यहाँ ना हो, इसके लिए मुझे लगता है आप सब लोगों को भी थोड़ा सूझबूझ के साथ भी आगे कदम बनाने होंगे जो भी चीजें होती है। ये पिता यहाँ पर हैं, यहाँ पे बैठिएगा जरा भाई साहब से। मैं अभी सर से मैं बात कर रहा था। सर क्या बोल रहे थे आप जिलाधिकारी के लिए, क्या जिलाधिकारी के पास चल रहे? सर जी नमस्कार, पहले तो मैं नमस्कार कर रहा हूँ सर आपको हाथ जोड़ करके। सर अरे नहीं मैं कवर करने में इसीलिए बोल रही हूँ, सबसे पहले आप ही ने ये चिंगारी लगाई जो हम लोग, मैं भी इतना सुदबुद्ध थोड़ी सी, मैंने अपना कॉन्शियस इकट्ठा किया कि हाँ हमें मीडिया के बाहर जाना चाहिए, बहुत पावर है मीडिया नहीं में। मैं इसीलिए कल बोल भी रहा था कि वो हम एपिसोड जो बना रहे थे ऐसा नहीं था कि एक माँ को एक बच्चे को रोते हुए देख, ये हिम्मत बनाता है। और आज थोड़ा सा भी जो हाथ पाओ कहीं अगर काम हो कर रहे होंगे तो जी। अब क्या बोल रहे हैं वो जिलाधिकारी के लिए? सर जी मेरा उनसे निवेदन ये है कि सर हमारे एक तो मेरे ये देखो सामने जो बच्चा है ये बहू है, मैं रिटायरमेंट हूँ आर्मी से सर, मैं भी सर नौकरी करके आ रखा हूँ आर्मी की। सर मुझे कोई इस पर मेरे बच्चे का सिर्फ दोष यह था कि अपना सामान की कीमत लेने गया था, उसका उन्होंने ये सिला दिया। आप आकर के अगर नहीं है तो आप आकर के वहाँ पर आए पॉइंट पर आइए, मर्डर पॉइंट पर आइए और चेक करिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। और आप लोग हमारे ऊपर बैठे हुए हैं और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप आकर के हमारे दर्द को समझें। नहीं, नहीं, और ध्वस्तीकरण करा जाए उस मकान का, नहीं तो अगर पब्लिक भड़क गई तो उसका आप खुद जवाब तैयार रखें। नहीं ये बात धन्यवाद। और मुझे बोलनी है ये प्रैक्टिकल बात करूं, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है आज फिर एक दो दिन लोग हेल्प कर देंगे, मैं दे दूंगी फीस, कल की डेट में जब नहीं होगे ना मैं खुद को आग लगाऊंगी, आग लगाऊंगी, फिर एक और स्टोरी के लिए आप आओगे कवर करने, तो यही मेरे पास यही एक ऑप्शन रह जाएगा। ऐसा होगा ऐसा मत सोचो आप, ऐसा मत सोचो आप। और मैंने अभी बोला आपको, आपको मजबूत होना होगा, अगर आप मजबूत नहीं होंगे ये देखिएगा, ये वो पिता हैं जिन्होंने अपने बट्टे बेटे को कितने वर्षों से पाला होगा, आज वो चले गए फिर भी फौजी भी है चला गया। तो मेरे घर का निर्वाह कैसे होगा मुझे बताइए ना आप। ये बच्चे की आंख में प्रॉब्लम है बहू के मेरी, पता है क्यों लेके आई? मैं दिखावे के लिए नहीं लेके आई, आई स्वेयर अपने बच्चे की कसम खा रही हूँ, सिर्फ इसलिए लेके आऊँ कि बताओ कि मैं ज्यादा टाइम तक प्राइवेट नौकरी भी नहीं कर सकती हूँ, मुझे निकाल देंगे जब मुझे दिक्कत होगी। मैं इसलिए बोल रही हूँ, तब मेरा घर कैसे चलेगा? सब कुछ ठीक होगा, आप यहाँ से यकीन मानिएगा सब कुछ ठीक होगा। और ये करना पड़ेगा सरकार को, जैसे मैं कल बोल भी रहा था, वो इंद्रेश में एक युवा जिसको गोली लगी थी पेट में, उसका उसको पेट में जब ऑपरेशन के लिए उसको वो नहीं बना, आयुष्मान कार्ड में प्रॉब्लम हो रही थी। तो सोचिएगा सरकार को ये चीजें करनी होंगी, ये परिवार है चाहे इनका सहारा बने, पर किसी तरह से इन दोनों का, उस बच्चे का जो चार साल का है उनका सहारा तो बनना ही पड़ेगा। ये मिस हैपनिंग ऐसे नहीं हुई है, इसमें मैं बता रहा हूं अगर मार्च अप्रैल में जैसे वो एक युवा बता रहे थे कि उन्होंने जो केस किया था 145 के अंतर्गत अगर तब कुड़की हो जाती तो आज इनके साथ ये हादसा नहीं होता। तो यानी कि ढील लापरवाही हुई है। और ऐसे कितने प्रकरण है जो रायपुर थाने में या फिर नेहरू कॉलोनी थाने में इस भारद्वाज के अगेंस्ट लोगों ने लिखवाए हैं, उन पर कार्रवाई कभी क्यों नहीं हुई? अगर वो कार्रवाई पहले हो जाती तो आज ये दिन इस परिवार को नहीं देखना पड़ता और ना ही उन दो जानों को जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं हॉस्पिटल में, आईसीयू में भर्ती हैं। आपके साथ सब हैं, आप चिंता ना कीजिए, सब अच्छा होगा यहाँ से, बस आपको मजबूत बन के रहना है। और यही मैं अंकिता की माँ वो दीदी से भी मैं हमेशा यही कहता हूँ। और आज देखिएगा न्याय बड़ा लंबा है मैम, न्याय के लिए बड़ा लंबा पर संघर्षरत होना पड़ेगा। सब आपके साथ हैं और बहुत लोग यहाँ देखिएगा जितने अभी डोभाल चौक ये 6 नंबर पुरिया पूरी तरह से बंद कर रखा है लोगों ने, वहां से ट्रैफिक नहीं जा रहा है। मैं ना अभी भी हाथ जोड़ रही, अब ऐसा हो गया है कि सबके हाथ में फोन है तो सबको इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, वो बहुत बड़ी चीज है। मैं सोशल मीडिया को बार बार थैंक यू बोलती हूँ, मैं बार बार ये बात करती हूँ, प्लीज इस इन्फॉर्मेशन को धामी जी के कानों तक पहुंचाओ, प्लीज उनको बोलो कि एक बार सुनो ये पूरी स्टोरी सुनो। जब मेरा पति बिल्कुल 0% कसूरवार था, 0%, तब ये चीज हुई। बिल्कुल नहीं, ये बात तो बिल्कुल आप मानिए समझिए। और देखिएगा एक तरफ मुझे बड़ी सुकून की इसमें पूरी स्थिति क्या है, जहां आपकी नजर जा रही होगी ये सब मातृशक्ति है यहाँ पर। और मुझे आज फिर वही 1994 का वो दायरा याद आता है जब उत्तराखंड क्रांति आंदोलनकारियों की एक हमारी महिलाओं की शक्ति थी, मातृशक्ति हमारी आगे जाती थी और ये तमाम महिलाएं थी जिसकी वजह से आज उत्तराखंड भी अलग हो पाया। यहाँ पर आज राजू इनके रवि के परिवार के लिए और उनके पिताजी के लिए हम सब की ताकत मुझे लग रहा है साथ चल रही है। जुड़े रहिएगा, हम आपके साथ बने रहेंगे।
आप भी अपना दान। सर जी, जो माफिया है इनको पैरोल में छोड़ा जा रहा है, ये क्या कहाँ से हो रहा है, किसकी सह पे हो रहा है, हमारे को इसका जवाब चाहिए। अगर इसका निवारण नहीं हुआ तो इसके इसके भी दोषी आप लोग ही पाए जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये वही अपराधी को मत बोलना कि हमारे ऊपर एक्शन पब्लिक कर रही है। बिल्कुल, धरने हो रहे हैं, इसके जवाबदार आप होंगे। बिल्कुल सही बात है, चलिए।